तो आज मैं उठाऊँ काफी लेट, और लेट का मतलब है 12 बजे दोपहर में। I've been thinking lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough. Sugarcoated like. तो बात नंबर एक, जो कि मैं देर में उठाऊं तो मेरा दिन भी देर से चालू होगा, और मेरा दिन देर से चालू होगा तो मेरा काम भी देर से चालू होगा। तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो है मुझे है नहाना, और जो दूसरा काम है मुझे है नहा के कपड़ा पहनना। और बात नंबर दो, यू आर वंडरिंग कि मैं ये माइक क्यों यूज़ करूँ मेरे पास जबकि ये माइक है, वाई क्यों एंड को पोचनू पोर खेओ ना काफ़ी है, कैसा दिया दिया कि नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। जो बात तो अभी एक जरूरी सी चीज दिखाने हैं आपको, तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें टेरेस पे। तो पेश खिदमत DJI Mavic Mini। तो ऐसा पूरा रास्ता बंद करके रखे, पूरा जाम हो जाता है रास्ता, अलग जगह से जाना पड़ता है। हाँ बैग खोल निकाल। तो सीन ये कि सुलेम मेरे घर पे आया था, तो उसका चार्जर और पर्स भूल के वापस चले गया था, तो मैं उसको अभी चार्जर देने के लिए आया हूँ और पर्स भी उसकी निकाला। ये बैग मेरा डोरेमोन का झोला है। साकी मुस्कुराई है भिवंडी में। Old me instead of that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up with a doubt that I show him everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting really on the clock, I'm on some crap. I'm up now, 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touch down, touch down. 1, 2, 3, mic check, 1, 2, 3, mic check, 1, 2, 3. तो अभी का सीन ये है कि हम हैं आदर्श पार्क के बाहर, अंदर क्यों नहीं है क्योंकि जब भी हम आते तो आदर्श पार्क बंद रहता है, तो आज भी आदर्श पार्क बंद है। एक्चुअली सीन ये था कि हम आए थे शिवाजी चौक विनायक से मिलने के लिए, विनायक को थोड़ा आने टाइम लगेगा, तो हम लोग आदर्श पार्क के बाहर वेट कर रहे हैं उसका। तो विनायक आएगा, उससे मिलेंगे, थोड़ी बातें करना है, काम की थोड़ी बात है। और मेरे साथ है फिलहाल अभी साकिब, और जो बात और आदर्श पार्क खुल चुका है जैसे ही मैं बुलाई गया उसके बाद। क्यों साकिब ऐसा? हाँ तो अभी आदर्श पार्क के अंदर आते वक्त एक किस्सा हुआ। हम जब अंदर आ रहे थे ब्लॉग करते हुए, तो एक अंकल बोले यहाँ पे सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। फिर हम लोग बोले सेल्फी नहीं ले रहे हम लोग, ऐसा ऐसा बताया। फिर मैं बैग में रख दिया मैं ट्रापट। फिर बोले जेंट्स लोग अलाउड नहीं है। फिर लेकिन और भी जेंट्स लोग घूम रहे थे अंदर, तो मैं हम लोग बोले तो बोले नहीं अलाउड नहीं है, तो बोले सिर्फ वॉकिंग कर सकते हैं। मतलब अजीब सा सीन है, मेरे को समझ में आया नहीं, तो इसलिए हम लोग सीधा चुप्पे जाओ वॉक कर रहे हैं। हम लोग यूजुअली आके अंदर बैठते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ तो सीन है, लेकिन जो भी। सो इट्स 8 PM इन द नाइट, और मैं तो विनायक से मिलने गया था, अचानक से ड्रॉ खोल के फटा पोस्टर निकला हीरो, वो भी चश्मा पहने हुए। मतलब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे शो के लिए पहना है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मेरा नंबर है, मतलब पॉइंट में है, लेकिन है एक आंख में ज़्यादा एक आंख में कम, वो तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले की बात, मैं विनायक से मिलने गया था, हमारी कुछ ज़रूरी बातें हो रही थी, और बातों में मुलाकातें, और मुलाकातों में नज़रें मिली, नज़रें मिली तो फिर
ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ डीप कॉन्वर्सेशन चल रही थी मेरे विनायक के साथ, तो मेरा मन नहीं हो व्लॉग करने का, फिर मैं डायरेक्ट घर आ गया। और एक बात और, मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कॉलर माइक से व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अडेप्टर हो गया है टूट और हमें उसे करना है फिक्स। तो अभी आप टोटको की बारिश होगी, टोटके आएंगे भाई, फेविक्विक से चिपका लो भाई, न्यू अडेप्टर ले लो भाई, न्यू माइक ले लो, मैं तो बोलता हूँ भाई। सब कुछ ट्राई करके देखा, माइक मैं न्यू नहीं ले सकता और अडेप्टर भी दूसरा मैं नहीं ले सकता क्योंकि दोनों महंगा है। और मैं उसे फेविक्विक से चिपका के देखा लेकिन वो बार बार निकल जा रहा है। अभी क्या करेंगे, मैं इसका एक सोल्यूशन ढूंढूँ। सो आई हैव गॉट दिस एमसील जिससे हम उसे स्टिक कर देंगे, अगर काम चल गया ये तो। पर मसला ये है, मुझे ये नहीं पता इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो क्या करें फिर, मैं बताऊं, हम पढ़ेंगे इसका इंस्ट्रक्शन जो इसके ऊपर लिखा होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, रिमूव द रैपर, कट इक्वल अमाउंट, मिक्स थरली, अप्लाई। और इसे चिपकाने के बाद मुझे कुछ जरूरी बात भी करना है। तो मेरे हिसाब से इसे ड्राई होने और इसे हार्ड होने में लगेंगे अराउंड 24 आवर्स, तो इसे रखते हैं हम साइड में। और अब बात करते हैं वो ज़रूरी बात, क्या करना था मुझे, लेकिन ज़रूरी बात के लिए माहौल बनाना पड़ता है और माहौल बनाएंगे हम। जो बात जज कोई भी नहीं करेगा आपके भाई को, तो जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो इन वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट और इन रिटन फॉर्मेट, उसे कहते हैं कंटेंट। और जो वो चीज़ बनाता है उसे कहते हैं कंटेंट क्रिएटर। अभी कंटेंट क्रिएटर में ब्लॉगर भी आ गया, टिकटॉकर भी आ गया, इंस्टाग्राम का मॉडल भी आ गया, मीम पेज वाले भी आ गए, ये सब आ गए। तो सारे कंटेंट क्रिएटर दिन भर कंटेंट बनाने में लगे होते हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? दो ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन उनका पप्पा अंबानी है, ऑप्शन नंबर टू उनके घर में पैसों का झाड़ है। और मेरा, मैं बताऊं तो मेरे पास दोनों नहीं है। तो आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ कंटेंट क्रिएटर मेक मनी। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसे आसान लैंग्वेज में समझाऊं और ज़्यादा खींचूं नहीं ताकि आप बोर ना हो। तो जैसा कि आपको पता है, रोज़ रोज़ न्यू ब्रांड्स आते हैं, रोज़ रोज़ न्यू कंपनीज आती है और रोज़ रोज़ न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उस न्यू प्रोडक्ट को पब्लिकली बताने के लिए लगता क्या है? एडवर्टीजमेंट। तो ज़्यादातर ब्रांड्स और कंपनी अपना प्रोडक्ट जो न्यू लॉन्च होता है उन्हें सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करते हैं थ्रू रनिंग एड्स, और वो एड दिखाने का पे करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप सोशल मीडिया चला रहे हो और आपको बीच में एक ऐड दिखता है, तो आप करते क्या? सीधा स्किप करते हो, राइट? तो ब्रांड्स और कंपनी वो प्रोडक्ट देते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को और उन्हें पे करते हैं कि आप अपने वीडियो में हमारा प्रोडक्ट दिखा दो। तो इससे होता क्या है, उनकी ऑडियंस उनका प्रोडक्ट देखती है ऑर्गेनिकली, ज़बरदस्ती नहीं। आप एक ऐड क्यों देखते हो? ज़बरदस्ती देखते हो, आप सही से देखते भी नहीं हो उसे। और अगर आप एक अपने फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो और वो वीडियो में कुछ बता रहे प्रोडक्ट, तो आप उसे देखोगे शौक से। एक एग्जांपल बताता हूँ, आप देख रहे हो टीवी आपकी फेवरेट मूवी क्रिश, और उसमें आ गया एड और एड में बता रहा है अमूल का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसका एड दिखा रहा है, तो आप उसे सही से नहीं देखोगे। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी नहीं देखता हूँ, और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैं वीडियो के बीच में आपको ये दिखाऊँ पीता हुआ, तो आप इसे देखोगे क्योंकि मैं पी रहा हूँ। इसे कहते हैं ऑर्गेनिकली कुछ चीज़ों को प्रमोट करना। तो ब्रांड्स और कंपनी अपना प्रोडक्ट देते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को कि आप हमारा प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करो और इसे प्रमोट करो, एंड दे पे लैक्स ऑफ रुपीस। और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं लाइक MSK, मुंबईकर निखिल एंड मैनी ऑफ देम, अराउंड दे अर्न 15-20 lakhs पर मंथ। तो कंटेंट क्रिएटर इससे पैसा कमाते हैं। तो अब से मुझसे कोई पूछेगा बेटा करते क्या हो, मैं ये नहीं बोलूँगा अंकल वीडियो बनाता हूँ, मैं बोलूँगा अंकल मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर। इज्जत मिलनी चाहिए आपसे अपने को भी। और एक राज की बात बताऊँ आपको, मैं ही आ जाता हूँ, जो स्टार्टिंग में आपने ड्रोन शॉट देखा था ना, वो फेक था, फ़ोन से लिया गया था। आप इसे मुझे शाबाशी दो या गालियाँ दो, ये डिपेंड करता है आप पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के आडियोस। तो आज के ब्लॉग में मैं कमेंट्स हाईलाइट करने भूल गया, तो कमेंट हाईलाइट करते हैं। ब्रो मैं पहले मार्केटिंग ब्लॉग करता था, बट अब मेरे को भी लाइफस्टाइल ब्लॉग कर रहा हूँ, तो चेंज इज हियर। और एक और कमेंट है इनका, एंड ब्रो हमारा सपोर्ट तो हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब जो बात